खबर अब भदोही से, जहां पर एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। मामला गोपीगंज इलाके का है, जहां पर मृत शख्स का दाह संस्कार करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने का विरोध करते हुए एम्बुलेंस और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मी घायल हो गया और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे नाम का शख्स हाल ही में मुंबई से लौटा था, लेकिन अस्पताल शिफ्ट करते वक्त ही उसकी मौत हो गई। तो शवदाह का विरोध करते हुए लोगों ने खूब हंगामा किया, यहाँ तक कि मारपीट की गई, एम्बुलेंस चालक जख्मी हुआ है। तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लोगों ने खूब हंगामा किया है। भदोही का मामला है। तो एक शव का दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से उतारने का ही शव का विरोध कर दिया कि एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाएगा, एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त किया गया है। खबर अब भदोही से, जहां पर एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। मामला गोपीगंज इलाके का है, जहां पर मृत शख्स का दाह संस्कार करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने का विरोध करते हुए एम्बुलेंस और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मी घायल हो गया और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे नाम का शख्स हाल ही में मुंबई से लौटा था, लेकिन अस्पताल शिफ्ट करते वक्त ही उसकी मौत हो गई। तो शवदाह का विरोध करते हुए लोगों ने खूब हंगामा किया, यहाँ तक कि मारपीट की गई, एम्बुलेंस चालक जख्मी हुआ है। तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लोगों ने खूब हंगामा किया है। भदोही का मामला है। तो एक शव का दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से उतारने का ही शव का विरोध कर दिया कि एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाएगा, एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त किया गया है। खबर अब भदोही से, जहां पर एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर हंगामा हो गया। मामला गोपीगंज इलाके का है, जहां पर मृत शख्स का दाह संस्कार करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने का विरोध करते हुए एम्बुलेंस और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मी घायल हो गया और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे नाम का शख्स हाल ही में मुंबई से लौटा था, लेकिन अस्पताल शिफ्ट करते वक्त ही उसकी मौत हो गई। तो शवदाह का विरोध करते हुए लोगों ने खूब हंगामा किया, यहाँ तक कि मारपीट की गई, एम्बुलेंस चालक जख्मी हुआ है। तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लोगों ने खूब हंगामा किया है। भदोही का मामला है। तो एक शव का दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से उतारने का ही शव का विरोध कर दिया कि एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाएगा, एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त किया गया है।